नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और देखिए, इस वीडियो के अंतर्गत आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए और आपकी जो फीस रिफंड है वो आपके अकाउंट में सक्सेसफुली हो पाए। तो आप देख सकते हैं ग्रुप डी, यानी जो अभी आपने एग्जाम, जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया हुआ था, चाहे उनका फाइनल हुआ या नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है, पर जिसने भी पेपर दिया था, CBT जो हुआ था आपका 17 तारीख से चालू हुआ था, जिसने भी वो दिया था उसके पैसे रिफंड होंगे। जैसे मान लीजिए आपके 500 रुपये आपने अगर आपके कटे थे फीस के, तो आपको 400 रुपये रिफंड करे जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके 250 रुपये कटे थे तो आपको 200 रुपये रिफंड करे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको रिफंड आएगा, ये आपकी रिफंड की प्रोसेस चालू होने वाली है। तो ये कब से चालू होने वाली है, किस प्रकार से आपका रिफंड आएगा, वो है आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो आप यहाँ पर लाइव हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आपको किस तरीके से अपनी प्रोसेस को पूरा अपनाना है और क्या नोटिस में कहा गया है, ये कब से स्टार्ट हो रहे हैं, ये कब से आपका जो लिंक है वो आपका कब से एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें आप अपना अकाउंट नंबर अपडेट कर पाएंगे, मोबाइल नंबर अपडेट कर पाएंगे, ताकि आपका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में सक्सेसफुली आ जाए। तो उसके बारे में पूरी जानकारी मैं दूंगा इस वीडियो में, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और जैसे ही ये लिंक आपकी अपडेट हो जाती है, वैसे ही मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, तो आपको वहां पर पूरी प्रोसेस समझा दूंगा कि इस तरीके से आप अपडेट करिए। तो अभी लिंक अपडेट नहीं हुई है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें नोटिस में क्या दिया गया है, वो आपको हम समझाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिस देख पा रहे होंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड सूचना, आप देख रहे हैं केंद्रीय रोजगार संख्या RRC, तो यहाँ पर 01/2019 लेवल पद नंबर 1 अभ्यर्थियों के अध्ययन अक्षर हेतु, यानी परीक्षा शुल्क की वापसी, बैंक खाता वितरण अपडेट करना, यानी आपकी जो परीक्षा शुल्क था वो आपका वापस किया जाएगा, जो आपने पेमेंट करा था जब फॉर्म भरा था तो वो वापस करा जाएगा। उसके लिए यहाँ पर जो बैंक अपडेशन है वो यहाँ पर आपको लिंक दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नोटिस में कहा हुआ है, आप देखिए यहाँ पे केंद्रीय रोजगार सूचना RRC/01/2019 के तहत लेवल 1 के पदों के लिए दिनांक 17/8/2022 से 11/10/2022 तक आयोजित CVT में शामिल अभ्यर्थियों को जिन्होंने पेपर दिया हुआ है उन्हीं का रिफंड होगा फीस। बोर्ड की शुल्क वापसी करना शुरू कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ दूसरा, ये आपकी स्टार्टिंग प्रोसेस होने वाली है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों के नियमानुसार परीक्षा शुल्क वापस करने हेतु बैंक अकाउंट डिटेल एवं IFSC कोड सबमिट कराई गई थी। तो जब आपका मान लीजिए जब फॉर्म भरा गया था तभी ये सब चीज़ें आपसे ले ली गई थी, बैंक अकाउंट IFSC डिटेल आपकी ले ली गई थी। तो विदित हो कि आवेदन 4 साल पहले हुए थे, 4 साल पहले ये आवेदन हुए थे, तथा इस बीच उम्मीदवारों के खाते के विवरण में कई बदलाव हो सकते हैं। तो कई के खाते बंद भी हो सकते हैं, हो गए हों, बंद हो गए हों, किसी के खाते मान लीजिए कंटिन्यूस चल रहे हों, किसी के बंद हो गए हों, किसी के मान लीजिए उसकी डिटेल लीक हो गई हो। साथ ही बैंक खाता विवरण की जांच करते समय यह पाया गया कि एक ही खाता संख्या से बड़ी संख्या में भुगतान किए गए थे। तो एक ही खाता संख्या से ये किस तरीके से किए गए होंगे, जैसे मान लीजिए आप साइबर कैफे पर गए, साइबर कैफे पर जाकर के आप फीस कटवा कर आए, तो वो क्या करता है, वो अपने अकाउंट से ही फीस काट देता है। तो अपने अकाउंट से फीस काट देता है तो उसी के अकाउंट में सब वापस जाएगा, जब मान लीजिए जब आपका रिफंड आएगा तो उसी के अकाउंट में जाएगा। तो आपने ही भी अगर आप साइबर कैफे पे जाकर कहीं से अलग से फॉर्म भरवाया है और वहां से आपने खाता डिटेल उसने अपनी खुद के दे दी है साइबर कैफे वाले ने, तो अब आप अपडेट उसे कर लीजिए ताकि आपके अकाउंट में पैसे आ पाए, क्योंकि आपको पता भी नहीं होगा कि आप कहाँ पर फॉर्म भरवा के आए थे, क्योंकि 4 साल पहले फॉर्म भरे गए थे। साथ ही बैंक खाता संख्या विवरण की जाँच करते समय पाया गया, देखिए तो यहाँ पर भुगतान किए गए थे एक ही खाता संख्या से। इसके अलावा विभिन्न बैंकों के विलय के कारण, यानी कई बैंकें विलय हो गई हैं, जैसे आपको पता है अभी काफी बैंकों को विलय कर दिया गया, जैसे आपने देखा होगा तो इलाहाबाद बैंक को यूनियन बैंक में कर दिया गया, और भी सारी बैंकें थी, पंजाब नेशनल बैंक में 2 बैंकों को विलय कर दिया गया, तो इसकी वजह से भी कोई प्रॉब्लम मान लीजिए आई हो आपको। इसके अलावा विभिन्न बैंकों को विलय कर दिया गया था, उनके कार्ड उनके IFSC कोड क्या थे उनके बदल चुके हैं, तो सबके बदल गए हैं, जितने भी बैंक का जो विलय हुआ है तो उनके सबके IFSC कोड बदल गए हैं, इसलिए बैंक खाते की पुनः पुष्टि एवं नए विवरण लेना आवश्यक है ताकि उम्मीदवारों के सही बैंक खाते में धन वापसी हो सके।
तो इसलिए ये क्या किया जा रहा है, आपको यहाँ पर अपडेट अपडेट करना हो अपना बैंक अकाउंट, अपडेट करिए आप, आईएफएससी कोड अपडेट करिए। चाहे आप देखिए, आप अगर पर्सनली उस अकाउंट से ही आपने फीस काटी है जो कि आपका अपडेट है तो करना नहीं है, अगर आपका चल रहा है, और अगर नहीं चल रहा है तो आप नया बैंक अकाउंट अपडेट कर दीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ताकि दूसरे खाते में पैसे ना चले जाएं। अगर आपके साइबर कैफे वाले के होंगे तो साइबर कैफे वाले में पैसे चले जाएंगे, ठीक है। तो आप अपना अकाउंट नंबर अपडेट करेंगे यहाँ पर, देखिए, और नया देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सीबीटी में शामिल सभी उम्मीदवारों को अपने बैंक खाता विवरण प्रदान करने की सुविधा के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने बैंक खाता विवरण अपडेट करने के लिए अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो एक अवसर आपको दिया जा रहा है। तदनुसार रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर एक अपडेट बैंक खाता लिंक यहां पर दिया गया है, वो मैं आपको लिंक आपकी पूरी दिखाऊंगा, अभी खोल के भी दिखाऊंगा उस पर क्या आ रहा है, ये कब से अपडेट हो रही है। प्रदान किया जाएगा जो दिनांक 14/4/2023 यानी कल से ही ये आपका स्टार्ट हो जाएगा, कल से ही ये लिंक आपकी अपडेट हो जाएगी। सुबह 10 बजे से यानी सुबह 10 बजे आप अपडेट कर पाएंगे, तो हम सुबह 10 बजे आपको एक वीडियो के माध्यम से या फिर मैं आपको कम्युनिटी टैब में आपको वो लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें सब स्क्रीनशॉट्स आपको दे दूंगा, मैं वीडियो बना दूंगा 10 बजे, ठीक है। तो आप वहां से जाकर चेक कर पाएंगे इसे 30/4/2023 तक, यानी 30/4/2023 तक आप अपडेट कर पाएंगे शाम के 5 बजे तक, ठीक है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि यदि कोई परिवर्तन हो तो वे अपने बैंक खाता विवरण अपडेट करने के लिए इस अवसर का उपयोग करें, तो आप इन अवसर का प्रयोग करें। मान लीजिए जो आपको ये अवसर दिया जा रहा है अपडेट करने के लिए, तो आप अपना बैंक अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड जरूर अपडेट करें, ठीक है, ताकि आपका अमाउंट आपके खाते में आ पाए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, उम्मीदवारों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया जाता है कि सबमिट किया गया बैंक खाता और आईएफएससी कोड सही है, तथा उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इसे सबमिट करने से पूर्व सावधानी पूर्वक इसे जांच लें। यानी आप सबमिट करने से पहले आप अपना बैंक अकाउंट जो डाला आपने वो चेक कर लें, आईएफएससी कोड अपना चेक कर लें, अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि एक बार आपका सबमिट हो जाएगा फिर आप नहीं कर पाओगे इस पे। बैंक खाता विवरण आईएफएससी कोड देख लें, ध्यान दिया जाए कि सबमिट करने के बाद अपडेट किए गए बैंक अकाउंट में कोई भी संशोधन नहीं होगा। देखिए लिख रहे हैं, कोई भी संशोधन नहीं होगा, अगर आपने एक बार अपडेट कर दिया तो आप फिर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते उसमें। उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत गलत विवरण के कारण धन वापसी में विफलता के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं होगी। अगर मान लीजिए आपने गलत अपडेट कर दिया, मान लीजिए कोई गलत नंबर डाल दिया, अकाउंट नंबर में कुछ गलत पड़ गया आपका, तो फिर इसके लिए जो रेलवे है वो आपका इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, आप इसके स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आप फिर से एप्लीकेशन डाल रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपका किसी पर विचार नहीं होगा, आपका अमाउंट गलत मतलब नहीं आएगा, ठीक है, तो रेलवे लौटा लेगा नहीं फिर आपका अमाउंट। रेलवे भर्ती बोर्ड की सूचना 13/10/2022 के संदर्भ में प्रश्नों उत्तरों विकल्पों एवं इत्यादि संबंधित आपत्तियों की समीक्षा के बाद वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा उठाई गई आपत्ति सही पाई गई थी, उनके द्वारा भुगतान की गई निर्धारित फीस वापस करने के लिए भी इसी अद्यतन बैंक विवरण का प्रयोग किया जाएगा। तो मान लीजिए देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि अभ्यर्थी जिनके द्वारा उठाई गई आपत्ति की गई थी, उनके द्वारा भुगतान की गई निर्धारित फीस वापसी के लिए भी इसी अद्यतन बैंक विवरण का प्रयोग किया जाएगा। यानी जो आपकी बैंक आप उसमें डाल दे रहे हो उसी का प्रयोग करा जाएगा। टिप्पणी देख लीजिए यहाँ पे, तो देखिए लिखा हुआ है, नोट, बैंक विवरण सबमिट करने की अंतिम तिथि 30/4/2023 है, शाम के आप 5 बजे तक कर पाएंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड के रिकॉर्ड अभ्यर्थी के विवरण के सत्यापन के बाद ही धन वापसी करेगा। यानी आपने एग्जाम दिया था, भाई प्रसन्न हो कि नहीं हो, तभी आपका क्या करेगा, वापस करेगा। गलत, अपूर्ण और या देर से किए गए दावों की सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। यानी अगर आपने गलत तरीके से अपूर्ण भराया हुआ है तो आपका खारिज कर दिया जाएगा। एक बैंक खाते में केवल एक रिफंड की अनुमति होगी, यानी एक बैंक में केवल एक ही रिफंड आपका मिलेगा। बैंक विवरण सबमिट करते समय किसी भी तरह की कठिनाई के निवारण हेतु हेल्पलाइन हेल्प मेनू डेस्क यानी हेल्प डेस्क मेनू तथा गुम रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के लिए फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर मेनू भी आपको उपलब्ध होंगे। तो आप अगर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हो तो भी आपको वहां पर रीसेट करने के लिए आपको दिया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट सूचनाओं के लिए
रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहें। तो आप देख सकते हो आज ही ये न्यूज पब्लिश हुई है और ये ऑफिशियल न्यूज है आपकी, कल आपकी लिंक अपडेट हो जाएगी। आपको अभी हम लिंक दिखा रहे हैं कि वो लिंक क्या है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दूंगा और कल एक अलग से वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो अपडेट करने में। देखिए यहाँ पर कोई भी छात्र यहाँ पर जल्दीबाजी में गलत अकाउंट नंबर ना भर दे, क्योंकि इसमें बहुत सा टाइम आपको मिला हुआ है, तो आप उस टाइम का उचित उपयोग करिए। आप अच्छे से अपनी चेक करिए सब चीज़, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 से चालू हो रहे हैं, आपका 30 को बंद होंगे, लगभग 16 दिन आपके लिए दिए गए हैं। तो ये किस लिए दिए गए हैं? इसीलिए दिए गए हैं ताकि आप अच्छे से अपनी जानकारी है वो सबमिट कर पाएँ, ठीक है। तो आप कोई भी भड़बड़ी में कोई काम मत करना ताकि आपको फिर बाद में पछताना पड़े, क्योंकि एक बार सबमिट हुआ तो फिर आपका नहीं ये लेगा, फिर इसमें कोई भी संशोधन नहीं होगा। तो अब मैं देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका रिफंड वाला हो गया, इसे आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। देखिए ये पूरा इंग्लिश में दिया गया है, आप इंग्लिश में भी इसे पढ़ सकते हैं, ये पूरा नोटिस आपको इंग्लिश में देखने के लिए मिलेगा। तो मैं इसे पूरा दिखा दे रहा हूँ, आप इंग्लिश में भी इसे पढ़ सकते हैं। तो यही सेम टू सेम नोटिस है आपका, देख लीजिए यहाँ पे पूरा आप इसे रोक कर आप इसे देख सकते हैं। देखिए ये टोटल आपका दिया हुआ है, इसे ये इंग्लिश वर्जन है आपका, वो हिंदी वर्जन था आपका, देख सकते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज इनिशिएटेड रिफंड द एग्जामिनेशन फी टू द कैंडिडेट्स हू हैव अटेंडेड द सीबीटी कंडक्ट फ्रॉम 17/07/08/2022 to 11/10/2000। देख लीजिए सेम टू सेम है आपका, आप देख सकते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल वर टेकन एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द रिफंड, हाउएवर एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड फोर इयर्स बैक। देखिए सब कुछ वही लिखा हुआ है, तो आप इसे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, जो इंग्लिश हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं वो इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं इसको पूरा, ठीक है। तो ये आपका है, इसके लिए आपके लिए लिंक क्या है, आपको अभी लिंक पे क्या दिखा रहा है वो भी मैं आपको चलिए दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको गूगल क्रोम खोल लेना है और इस सर्च बॉक्स में जो ये लिंक है इसे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ लिंक जो है इसकी, जो जिस जहाँ से आपको रिफंड होने वाला है, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से देखिए पेज खुलेगा। देखिए अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पेज पे लिखा हुआ है द लिंक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक फॉर अपडेट इन बैंक अकाउंट डिटेल CENRRC01/2019 विल बी ओपन फ्रॉम, देखिए लिखा हुआ 14/4/2023 10 AM। तो ये 10 AM पर आपकी ओपन होगी, आप देख सकते हो यहाँ पे 10 AM लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 AM पे ओपन होगी। तो अभी आप खोल रहे होगे तो इस तरीके से आएगी। तो ये जो लिंक है वो मैं कल इसके साथ एक वीडियो भी बनाऊंगा और आपके लिए अपडेट भी कर दूंगा। तो ये लिंक आपकी पूरी आप देख सकते हो यहाँ पर, ये आपकी पूरी लिंक यहाँ पे मैंने पेस्ट की हुई है। मैं इसे आपको कल मैं पूरी प्रोसेस आपको समझा दूंगा, तो आप वीडियो में आप ये पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं कल जैसे ही आप वीडियो डालूंगा तो आपको उसकी अपडेट मिल जाएगी। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी जानकारी मिल पाए और उनका भी रिफंड उनके अकाउंट में वापस जा पाए। पूरी प्रोसेस समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। कल के लिए वीडियो के लिए आप इंतजार करिए, कल मैं आपको इस वीडियो आपका ये 10 बजे में बना दूंगा जैसे ये लिंक ओपन हो जाती है, ठीक है। ओके, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।